हेलो सत श्री अकाल आदाब नमस्कार, मैं हूं मानसी राज हंस और आज मैं आप लोगों की डिमांड पर लेकर आई हूं अपनी वैनिटी वैन का टूर। सो आप लोगों ने जैसे मुझे मैसेजेस किए कि आप मेरी वैनिटी देखना चाहते हो, तो आई थॉट क्यों ना एक वीडियो इस पर ही बनाया जाए, क्योंकि इतने आइडियाज़ दिमाग में नहीं आते हैं। सो दैट्स वाई आई आस्क यू पीपल कि आप लोग जो चाहते हैं मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। सो जैसे लड़कियों को मेकअप बहुत पसंद होता है, यूज़ चाहे चार ही चीज़ें करेंगी लेकिन लेना सब कुछ है। सो मेरे पास भी वैसे ही है, कौन सी चीज़ें सिर्फ सजाने के लिए, कौन सी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ आज मैं आप लोगों से शेयर करूँ। लेट्स गो। ओके लेट्स स्टार्ट। और मैंने जो अपनी वैनिटी में सेक्शंस बनाए हैं शेयर, मैंने 5x5 शेल्फ साइज पे बनाई है, क्योंकि लड़कियों के पास काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है जो कि टेबल पे नहीं रखी जा सकती। सो आई थॉट क्यों ना शेल्फ बनाई जाएँ जिन पे मैं डिवाइड कर सकूँ सेक्शन, और ईजी होता है ढूंढने में। सो पहला सेक्शन है जो मेरा फेवरेट पार्ट है, मेरे परफ्यूम्स हैं। इस पर बॉडी मिस्ट भी हैं, परफ्यूम्स हैं, और मेरे पति के जो मैंने चुराए हुए परफ्यूम वो भी रखे हैं, क्योंकि जो मेन परफ्यूम होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, पूरा दिन निकल जाता। सो मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ। जैसे विक्टोरिया सीक्रेट का बॉडी मिस्ट है, विच इज़ वेरी गुड, आप शावर लेने के बाद डायरेक्टली बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। एंड अदर वन विच इज़ लाइक बर्बरी का परफ्यूम। आई डोंट वांट टेक योर सो मच ऑफ टाइम कि मैं एक एक चीज़ उठा के बताऊँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई फेवरेट थिंग्स, क्योंकि लड़कियों को मैंने बताया जैसे कि चीज़ें खरीदने का बहुत शौक होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सको। और दिस वन विच इज़ लाइक माई ऑल टाइम फेवरेट परफ्यूम, XR Armani, विच इज़ जस्ट अमेजिंग, यू शुड ट्राई इट। और ये परफ्यूम जो हमेशा मेरे साथ रहता है, ये तो मेरे बैग में भी रहता है, क्योंकि आई लव परफ्यूम्स, मुझे अच्छा लगता है कि खुशबू आती रहनी चाहिए। और सेकेंड सेक्शन है जिसमें है बॉडी ऑयल, एलोवेरा जेल, हेयर मास्क, और बड़ी चीज़ें हैं जैसे हेयर स्प्रे होता है, आप टॉन करते हो, स्ट्रेट करते हो हीट इफेक्ट से बचाने के लिए, जो कि मेरे बाल तो बहुत डैमेज हैं, बट स्टिल आई ट्राई कि मैं कोशिश करूँ उनकी टेक केयर करने की। तो वो प्रोडक्ट्स हैं। और उसमें से ये जो बॉडी ऑयल है, आई जस्ट वांट टू शेयर विथ यू गाइस, विच इज़ लाइक विटामिन सी, इट्स रियली गुड। मतलब आप शावर लेते हो उसी टाइम आप बॉडी पे अप्लाई कर लो, एंड देन अगेन जस्ट रिंस योर बॉडी, इट विल गिव यू डिफरेंट शाइन, और ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आई गेट इट फ्रॉम लंदन, आई डोंट वांट टू शो इट ऑफ, इट जस्ट दैट कि वहाँ से ही मिलता है, सो मैं नहीं जाती हूँ स्पेशली, बट जब मेरी फ्रेंड या मेरे कजन्स कोई भी आते हैं तो मैं पहले उनको लिस्ट दे देती हूँ कि ये ज़रूर लेके आना, खुद तुम पहुँचो ना पहुँचो ये पहुँचा दो मेरे लिए। सो अदर थिंग दिस वन आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस, विच इज़ हनी ब्रॉन्जर बॉडी शॉप। जैसे शॉर्ट्स पहने हैं, ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना है तो स्लीवलेस है, तो आर्म्स पे लेग्स पे जो शाइन आती है उसके लिए बहुत अच्छा है। सो दिस इज़ रियली गुड, इसमें एक ऑयल टेक्सचर सा आता है, आप ऐसे लगेगा कि आप ऑयल ही यूज़ करो, बट ये गिव यू शाइन। एंड अदर थिंग दीज आर लाइक ऑयल, फेस ऑयल, विटामिन सी, फेस मिस्ट विच इज़ लाइक मैक फिक्सर, आई थिंक आई एम श्योर सभी लड़कियों को पता ही होगा जो मेकअप जिनको पसंद है, मेकअप करने से पहले लगा लो, मेकअप करने के बाद लगा लो, दिस इज़ रियली इफेक्टिव। एंड अदर शेल्फ्स आर लाइक फालतू का सामान मैंने रखा है उन पर, कुछ जो एक्स्ट्रा स्टॉक ला के रखते हैं वो मैं इन पर सजा देती हूँ, सो दैट जब ना हो तो यहाँ से उठा लो। एंड नाउ आई कम इन लाइक हियर जहाँ मेरा मेन मेकअप के प्रोडक्ट्स रखे हैं, सो लेट्स गो देयर। जैसे मैंने लॉकडाउन में ये वैनिटी बनवाई थी, तो काफ़ी चीज़ें आप सोचते हो वो नहीं मिल पाती, बट स्टिल आई फील कि हर चीज़ का कोई ना कोई मोटिव होना चाहिए। बट आई फील, बट आई थॉट, आई मीन वट आई थिंक, मैं वही चीज़ें रखती हूँ जैसे बिलीव, ड्रीम बिग, बट मैंने क्या क्या रखे हैं मैं वो चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। ये मैंने सेक्शन बॉक्स रखे हैं जिसमें मैंने अपने मेकअप ब्रशेस और आई पेंसिल्स, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रखी हैं जो ईज़िली आप निकालो वहीं वापस रख दो ताकि गुम ना हो, क्योंकि ब्रशेज ऐसी चीज़ है कि एक इधर उधर रख दिए तो फिर ढूंढना मुश्किल है। सो ये सेक्शन है जिसमें मैंने बार्बर शॉप खोल के रखा है, जैसे लॉकडाउन में आप बाहर नहीं जा सकते, और मेरे हस्बैंड जो हैं जब उनको हेयर कट करवाना होता है तो उनका जो हेयर ड्रेसर है वो घर आ जाता है, बट आई मेक श्योर कि प्रोडक्ट्स अपने हों, सो दैट जितनी प्रिकॉशंस आप ले सको, क्योंकि हमारा छोटा बेबी है, सो आई डोंट वांट टेक एनी रिस्क। तो मैंने सब चीज़ें घर में ही रख ली हैं, वो जो एप्रॉन क्या बोलते हैं उसको, जो शीट सी वो लगा के देते हैं हेयर कट के लिए, वो भी मैंने रखी है, वो आई विल शो यू लेटर। और ये सेक्शन मैंने ट्रांसपेरेंट फॉर द ग्लास रखा है, सो दैट आपका मेकअप दिखता रहे, जो है क्यों ना दिखाया जाए। सो खुशी मिलती है लड़कियों को मेकअप देख के कि आपके पास चीज़ें हैं, सो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसे फ्लॉन्ट किया जाए। तो मैंने ग्लास रखा है ऊपर, सो दैट आपको चीज़ें अगर निकालनी है पहले आप देख लो कहाँ पड़ी, और खोलो और निकालो। और ये बिलीव है जिसे अभी भरना बाकी है, इसमें मैंने फालतू चीज़ें रखी हैं, लेकिन बिलीव
आई जस्ट वांट टू से कि कीप बिलीविंग योरसेल्फ, कीप थिंकिंग पॉजिटिव. सो जैसे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, सो आई जस्ट वांट, वैसे तो मैं डिलीट ही कर देती हूँ, नेगेटिविटी मुझे चाहिए ही नहीं. तो वो लोग टाइम वेस्ट ना करें जो आगे बोलते हैं कि क्यों फालतू के वीडियोस बना रहे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो देखना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मोटिवेशन मिलता है. इनफैक्ट हम लोग आप लोगों के कमेंट्स देखते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है. सो आई थिंक अगर किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो वाई नॉट. जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, आई जस्ट वांट टू टेल देम कि लाइफ में कुछ अच्छा ढूंढो, अपनी नहीं मिल रहा तो दूसरों में देखो और उसे फिक्स करना सीखो. बिकॉज इतना फ्रस्ट्रेशन है, जैसे लॉकडाउन में कई लोगों को खुल जाता, हमें भी हो जाता कि यार घर बैठे बैठे क्या करें. सो आई ट्राई कि रीडिंग हम बनाना शुरू कर दें. सो आप लोग भी कमेंट करने से अच्छा है नेगेटिव कमेंट, आई एम जस्ट सेइंग फीडबैक देना अच्छी चीज़ है, लेकिन नेगेटिविटी फैलाना गलत चीज़ है. तो उसके लिए मैं बोलूँगी, नहीं तो आप इग्नोर करें, आपको वीडियो नहीं अच्छा लगता, यू कैन जस्ट स्विच इट ऑफ. और हाँ, ये तो बड़ी ज्ञान की बातें भी होंगी. चलो वैरायटी में वापस आ जाए. ये मैंने ड्रीम जो बोर्ड रखा है, ये पिन से आप फोटोज़ लगा सकते हैं, जो कि मैं अभी करूँगी. और लाइट्स भी अभी मुझे चेंज करनी है, बिकॉज फॉर मेकअप आई थिंक ऑरेंज एंड येलो लाइट्स आर बेस्ट. सो वो भी चेंज करूँगी, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मैंने लाइटिंग का बहुत चीज़ें सोच के रखी हैं. क्योंकि आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने रखे हैं, ये कैंडल्स का, फ्रेग्रेंस का, डेकोरेशन का मुझे बहुत शौक है. तो मैं छोटी छोटी चीज़ें अभी लेके रख रही हूँ, सो दैट उसको जब प्रॉपर रेडी हो जाएगा देन आई विल मेक अनदर वीडियो. ये सेक्शन है बुढ़ापा छुपाओ. क्योंकि जैसे लड़कियों को कलरिंग का बहुत शौक होता है, तो मेरे 8th स्टैंडर्ड से ही ग्रे हेयर है, तो मैं कभी कभी पार्लर नहीं जाया जाता. अब घर में कर सकते हो ना उसके, इनफैक्ट मैं बाकी कलर भी करना हो तो मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि टैलेंटेड मैं बहुत हूँ, लोगों को अभी तक पता नहीं है मेरा. सो ये सेक्शन मैंने उसी के लिए रखा है. कलर्स है, ब्लीच है, जो आई ट्राई टू अवॉइड, बट कभी इमरजेंसी हो, आप नहीं जा पा रहे हो कहीं पर फेस क्लीन कराने, सो बेटर आप घर पर कर लो. और ये एलोवेरा जेल है जो मैंने अभी वाव से, आई टोल्ड यू कि मैं वाव प्रोडक्ट्स का भी आप लोगों से रिव्यू शेयर करूँगी कि कैसे हैं, आई एम लाइकिंग इट एक्चुअली. सो ये एलोवेरा जेल उनकी है. और दिस इज़ लाइक युवराज मानसी, जो हर जगह पे मिलेंगे आपको. ये भी डेकोरेशन के लिए मैंने रखा है यहाँ पे. और अनदर सेक्शन इज़ लाइक कैंडल्स, फ्रेग्रेंस, आई लव दैट. सो मैं इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ जब मुझे लगता है कुछ स्पेशल चीज़ें करनी है, मुझे वीडियो बनाना है स्पेशल, तो आई यूज़ दीज थिंग्स. ये मैंने स्टोन्स रखे हैं कलरफुल, जब ट्रे सजानी होती है तो मैं इनको यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज मैं संभाल के रखती हूँ चीज़ें. एंड दिस वन आई जस्ट बॉट इट, विच इज़ लाइक पैनासोनिक का हेयर स्टाइलर है, विच इज़ लाइक फॉर कर्ल्स एंड स्ट्रेटनिंग के लिए काम आता है. चलिए तो अब मेरे ड्रॉर्स की तरफ चलते हैं, जिस पर मैंने मेकअप वेकअप सब चीज़ें, अपनी फेवरेट चीज़ें छुपा के रखी हैं. सो इसमें भी सेक्शंस हैं, क्योंकि मैंने आई शेडोज़ के लिए अलग रखा है, ब्लश ऑन एक सेक्शन में रखे हैं, अपने फाउंडेशंस हैं, कंसीलर हैं, बीबी क्रीम्स हैं, और ये स्किन के लिए जो मैं यूज़ कर रही हूँ फर्साली प्रोडक्ट्स, वो भी रखे हैं, वो मैंने एक सेक्शन में रखे हैं. और इस सेक्शन में हेयर डू के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो मैंने रखी हैं, लाइक ये पिंस हैं. यूज़ कम करो लेकिन चीज़ें सारी होनी चाहिए, आई एम श्योर ये सब लड़कियाँ ऐसे ही करती हैं. और ये भी है एक रोलर मैंने ख़रीदा था, मसाज रोलर, विच इज़ रियली गुड. सो इसके लिए भी एक वीडियो बनाया जाएगा, आई एम श्योर आजकल सब लड़कियाँ यूज़ करी, एंड इट्स रियली गुड. मैंने बहुत 2-4 बार मैंने यूज़ किया है, और इससे स्किन मतलब रिलैक्सिंग फील होता है. सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस. ओके, आई विल कीप इट लाइक दिस नाउ. एंड वाइप्स हैं कुछ मेकअप रिमूव के लिए. अच्छा, मेकअप रिमूव के लिए कम ही यूज़ होती है, शेल्फ साफ़ करने के लिए ज़्यादा यूज़ होती है मेरे साथ. और इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं आई शेयर, जैसे ये आई शेडोज़ हैं, सिवाना कंपनी से हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मैंने रखे हैं. आई कीप छोटे वाले ज़्यादा, बिकॉज क्या होता है ना, इनकी भी एक्सपायरी डेट होती है, और प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं तो हर चीज़ इतनी ज़्यादा डेली यूज़ नहीं होती, आप डेली कोई ना कोई नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो. सो आई डोंट वॉन्ट कि वो ख़राब हो जाए, और लड़कियों को मेकअप फेंकना सबसे गंदा काम लगता है. सो मैंने ये छोटी छोटी वाली ख़रीद के रखी. दिस वन इज़ आइकॉनिक लंदन लूज पिगमेंट पैलेट, और ये हैं आजकल जो यूज़ हो रहे हैं ज़्यादा, रेवोल्यूशन के हैं, ब्रॉन्जर, हाइलाइटर, हुडा ब्यूटी. तो आई एम श्योर आजकल लड़कियाँ सभी फ़ैन हैं इसकी, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, और इनकी मतलब होता है ना टेक्स्चर स्किन पे बहुत अच्छा आता है. सो ये आई शेडोज और एक बेस पैलेट है, विच इज़ लाइक अगर आपको जल्दी जल्दी मेकअप करना है तो ये मोस्टली ज़्यादा शूट में यूज़ होता है, ये क्राइलॉन के होते हैं, इनके कलर्स डिफरेंट अपने अपने स्किन टोन के हिसाब से होता है. सो वो सब चीज़ें हैं, चलो बाद में सजा लूँगी मैं वापस.
और यहाँ पे हैं मैंने रखे अपने ब्लश ऑन्स हैं, ये है बेका का हाइलाइटर जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ दीज डेज, मतलब दीज टू थिंग्स आर लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट. दिस वन इज़ मैक का ब्रॉन्जर विच इज़ रियली गुड, और मेबलिन का फिट मी, आजकल ये भी चीप एंड बेस्ट है. और लेंजेज रखे हैं, जैसे आप काफ़ी लड़कियाँ मुझसे पूछती हैं आप कौन सी कंपनी का लेंस यूज़ करते हो, सो दिस वन विच इज़ दी बेस्ट फ्रेश लुक, और काफ़ी देर चल जाता है. मैं 3 months वाले लेती हूँ सो दैट दो चार बार यूज़ करके आप चेंज कर सकते हो. आई लैशेज हैं विच इज पी ए सी की आई लैशेज बेस्ट होती है, जो कि बड़ी नेचुरल लगती हैं. वैसे तो मैं अवॉइड करती हूँ बिकॉज मुझे अपनी नेचुरल लैशेज ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उससे ओवर नहीं लगता और आँखें थकती नहीं हैं. और दिस सेक्शन विच इज़ लाइक फाउंडेशन. ओके, सो लड़कियों ने इन पर भी पूछा था कि रिव्यू दीजिए कौन सी फाउंडेशन अच्छी है कौन सी नहीं. सो मेरे लिए तो बेका वन जो कि फुल कवरेज है विच इज़ दी बेस्ट, और अगर मुझे जल्दी कोई ज़्यादा मेकअप नहीं करना तो आई यूज़ दिस वन विच इज़ पॉन्स बीबी क्रीम 01 ओरिजिनल. बड़ी नेचुरल सी लगती है फेस पे. ये तो वीडियोस मैं अलग बनाने वाली हूँ, बट आई एम जस्ट शोइंग कि मैंने प्रोडक्ट्स कौन से रखे हैं. और ये है कंसीलर, एलए गर्ल के ज़्यादा अच्छे हैं सो मेरे पास मोस्टली वही कलर के होंगे. और नॉर्मल जो भी हैं चीज़ें जैसे पोर करेक्टर है, ये सब मैंने चीज़ें रखी हैं. इस सेक्शन में आपको यही मिलेगा, और ये जैसे क्रायलॉन का ये स्टिक्स भी मैंने रखी हैं, मतलब मैंने अपने स्किन टोन के हिसाब से रखे हैं सब अपने, जैसे FS29 है, FS28 है, दीज टू शेड्स आई मिक्स एंड यूज़ इट. ये टीवी के लिए ज़्यादा यूज़ होती है, जैसे मैं शूट कर रही थी सीरियल के लिए तो उसमें ये प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं. अदरवाइज डेली के लिए जैसे कहीं जाना हो तो बेका है. एंड दीज फाउंडेशन आर गुड, बट आई थिंक मैंने ना शौक में ख़रीद तो लिया बट ये मेरे स्किन टोन के साथ जाते नहीं. सो जब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट करना है मेकअप के साथ तो आई यूज दिस फाउंडेशन, एल्स बेका वन एंड दिस बीबी क्रीम पॉन्स की बेस्ट है. एक्सपर्ट सॉल्यूशंस जिनसे मैंने ये वैनिटी बनाई है, इनफैक्ट उन्होंने हमारे घर का इंटीरियर भी किया है सारा. सो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ड्रॉर्स रख लो सो दैट आप अपने कुछ चीज़ें जो बाहर आप लिपस्टिक्स हैं वो फैली हुई गंदी लगती हैं, सो इट्स बेटर उनको आप अलग अलग सेक्शन में बना सकते हो. तो मैंने लिपस्टिक्स के लिए अलग अलग छोटे छोटे ऐसे ट्रेस लेके रखी हैं जिन पे मैं लिपस्टिक्स हैं मस्कारा वगैरह सब रखे हुए हैं. और लिपस्टिक के लिए भी मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आप अपनी लिपस्टिक कलेक्शन दिखाइएगा, सो उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगी. शेट मैन, मतलब एक ही वीडियो में मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कितनी चीज़ों के लिए प्रॉमिस कर दिया है. सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट एज वेल. और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बहुत शौक है, सो मैंने उसके लिए भी एक सेक्शन रखा है. इसमें मोस्टली मेरी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, थोड़ा बहुत दिखा दिया जाएगा. सो डिफरेंट डिफरेंट आजकल तो ऑनलाइन लड़कियों के पास इतनी ऑप्शंस आ गई कि सबसे देख सकते हैं, तो मैं ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी खरीद के रखती हूँ. सिंदूर रखे हैं मैंने, शादीशुदा हूँ तो फिर ये चाहिए ना, पति हर जगह साथ चाहिए. सो अनदर सेक्शन विच इज़ अनदर ड्रॉअर जिसमें कि अगेन ज्वेलरी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ऑक्सीडाइज है, कुछ चीज़ें हैं जो मैचिंग आपके कपड़ों के साथ की होती है वो मैंने रखी हैं. और ये मेकअप रिमूवर के लिए मैंने कॉटन पैड्स रखे हुए हैं, सीजर हैं क्योंकि वो हमेशा गुम हो जाती हैं तो मैंने स्टॉक रखा है कि कभी यूज़ हो जाए. एंड थर्ड शेल्फ में क्या है, अगेन ज्वेलरी, इसमें ऑक्सीडाइज हैं, बिंदियाँ हैं, जो कि स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब मैं बॉम्बे में ज़्यादा रही थी पिछले 8 साल से. सो एक बिंदी है जो कि यहाँ से नहीं मिलती, बॉम्बे में एल स्टोर है लोखंडवाला मार्केट में, तो मैं वहाँ से ख़रीद के लाती हूँ. यहाँ से मिल जाएंगी बट क्वालिटी जो है ना वो नहीं मिलने वाली, सो मैं हमेशा वहीं से खरीद कर लाती हूँ. सो आई शो यू, सी दिस वन इज तन्वी बिंदी. अगर जो लोग बॉम्बे में हैं प्लीज़ ये ट्राई करें, क्योंकि ये बिंदी इतनी देर लगी रहती है, अदरवाइज़ क्या होता है आप लगाते हो स्टोन वाली बिंदी तो गायब, स्पेशली बच्चों के साथ तो कहाँ है कहानी. तो ये इसकी काफ़ी अच्छी व्यू है और मुझे अच्छी लगती है, सो एल स्टोर से आप खरीद सकते हैं. अब आ जाएंगे हम इन ड्रॉर्स में जिसमें मैंने हेयर एक्सेसरीज रखे हैं. लाइक जब मेरे बाल छोटे थे तो मैं हेयर एक्सटेंशन यूज़ कर रही थी, तो मैंने ये बॉम्बे से ही बनवाए थे, नेचुरल हेयर मतलब क्लियर हेयर के एक्सटेंशन और हेयर एक्सेसरीज जिसमें तो वीडियोस बनाने के लिए बैंड यूज़ होते हैं, ये बन बनाने के लिए. और ये मेरा काफ़ी पुराना कैमरा जो कि 1947 में लिया गया होगा, देखिए मैंने अभी भी संभाल के रखे कि कब कौन सी चीज़ काम आ जाए. और ये ड्रॉर है
जिसमें मेरे स्ट्रेटनर है, क्लम्पिंग मशीन है, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे पति देव के लिए मैंने रखा है कि बाहर से कोई चीज़ यूज़ ना करना। टैंटर ये लगाओ और हेयर कट करवा लो। आई एम जस्ट शोइंग इट ऑफ। सो टोंग मशीन है, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दूसरे रूम में है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ होनी चाहिए मेकअप हेयर में। कई बार नहीं जाया जाता पार्लर, मुझे लगता है खुद आना चाहिए ये चीज़ें थोड़ी बहुत, तो ताकि आप स्टाइलिंग करके खुद चले जाओ। और मैंने अपनी शादी में, मुझे पता है कि जो मेन डे था उसी दिन मैं सिर्फ पार्लर गई हूँ, अदरवाइज जितने फंक्शंस थे, मेहंदी थी, हल्दी थी, जागो हुई थी, उन सब में मैंने खुद किया था अपना मेकअप भी और हेयर भी। सो ये लड़कियों को बता दिया जाए, कुछ लोग पॉइंट करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी बोलते हैं। सो आई जस्ट फील कि सबको पता होना चाहिए कि हर कोई चाहता कि बेस्ट दिखे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ें जहाँ जहाँ मैं खुद कर सकूँ, वाई नॉट, वाई टू वेस्ट मनी। और मेकअप करते समय अगर आपको कंफर्टेबली बैठना हो तो उसके लिए एक्सपर्ट सॉल्यूशन ने मुझे बड़ा कलरफुल सा बना के दिया है, विच इज़ लाइक पिकॉक कलर, पिकॉक ब्लू कलर। सो आई लव दिस कलर। सो उन्होंने मुझे कुछ डिफरेंट वाइट के साथ कॉम्बिनेशन बना के दिया, सो आई लव इट। एंड अंदर जो आप स्पेस देख रहे हैं उसमें भी काफ़ी चीज़ें रखने को आ सकती हैं, जैसे ये मेरी वैनिटी है जो मैं शूट के लिए यूज़ करती हूँ, ये छोटी वैनिटी है, सो दैट इसमें जो छोटा मोटा सामान है, सेम चीज़ें आप इसमें भी रख सकते हो ईजिली ट्रैवल के लिए। और मोस्टली मेरे लिए यही यूज़ होती है कि अगर जाना हो तो बस ये उठाया और ले गए साथ। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी अपने वैनिटी का, जब प्रॉपर रेडी हो जाएगी, सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दैट। आई होप यू लाइक इट। और कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। I'll try to improve. Keep loving, keep supporting, and don't forget to subscribe my channel. ये उन लोगों के लिए जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। Thank you.